नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकित और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। रामगंज मंडी क्षेत्र के खेराबाद में शुक्रवार को सरकार आपके द्वारा शिविर का आयोजन किया गया। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने सुबह 10 बजे शिविर की शुरुआत की। इसके बाद से ही ग्रामीण अपनी समस्याओं के समाधान के लिए शिविर में आते रहे। शिविर में SDM समेत 15 विभाग के जिला स्तरीय एवं रामगंज मंडी क्षेत्र के अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने मंत्री के निर्देशन से मौके पर ही ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। शिविर शाम तक चला, जिसमें करीब 30 से अधिक गांवों के लोगों ने भाग लिया। शिविर के दौरान राजस्व, चिकित्सा, बिजली, पशु विभाग, विभाग समेत अन्य विभागों के अधिकारियों ने मौके पर ही ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण किया। शिविर ग्राम पंचायत खैराबाद में आप सभी का सम्मानित जो नागरिक गण हैं, आज के कैंप के बारे में एक सामान्य जानकारी मैं आपको दे देता हूं। सभी विभाग यहां उपस्थित हैं, जैसा मैंने अभी आपको अवगत कराया। इधर हाँ, तो सब डिपार्टमेंट के इस प्रकार से पूरी टीमें यही हैं, अधिकांश काम यही होने चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह अधिकारी कर्मचारियों से है। पिछले 3 कैंप की प्रैक्टिस रिक्त स्थान छोड़ रहा हूं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, परंतु मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम काम यही होने चाहिए और जो काम आज नहीं होने के उसके आगे लिखना चाहिए, कोई नहीं, फिर जो दिन लिखो उसमें पूरा होना ही चाहिए। मेरा एक मेरे मंत्रालय से एक अधिकारी इसका मॉनिटरिंग करेगा और रोज मेरे को रिपोर्ट देगा कि कौन अधिकारी किस कारण से जानबूझ करके इस काम को डिले कर रहा है। एक रिटायर्ड एक्शन है मिस्टर मंडार जी, वो इस काम को वहाँ देखने वाले हैं ताकि कोई जानबूझ करके डिले न करे। ये देख लेंगे, देखेंगे, ये तो हमारे ऊपर छोड़ दो, देखेंगे जी, आप उसको पूरा करेंगे। ऐसे कई सारी बातें हैं, कुछ बातें ये अमुक डिपार्टमेंट को भेज दिया है, ये भी उसमें होना चाहिए। और भाई जो पुरानी आदतें हैं ना आप लोगों की, डिले काम करने के छोड़ दो, अब ये माननीय मोदी जी और माननीय भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये भूल जाओ कि कांग्रेस की सरकार है, अन्यथा फिर वो भजन लाल जी कह रहे हैं ना कि कुछ लोगों को जो काम नहीं करेंगे तो उनको घर भेज दे, तो हम रोक नहीं पाएंगे उनको, क्योंकि उन्होंने कह रखा है कि आप जो काम नहीं करते उनकी सूची उपलब्ध कराते रहिए ताकि उनको भी शांति से घर पे बैठ करके बाल बच्चों के साथ आनंद ले सके, काम मारे मारे फिरेंगे या नौकरी में, घर का भी इंतजाम अच्छा कर देंगे ताकि बाल बच्चों के साथ ठीक तरह से रह सके। द्वारा आपने जो आवेदन दिया है उसका काम पेपर दे सके ताकि आपको पता चल सके कि हमने वो आवेदन दिया था कैंप में उसका क्या हुआ, तो ये आप लोग ध्यान रखें। किसानों का अब 6,000 रुपये जो किसान सम्मान निधि थी वो 8,000 रुपये हो गई है। पेंशन जो पहले 700 मिलती थी, 500 रुपये मिलती थी, वो 1,150 रुपये हो गई है। इसी प्रकार से बहुत सारे काम है, कोई बेरोजगार लोग है, रोजगार करना चाहते हैं। समय जगत न्यूज के लिए रामगंज मंडी से पप्पू गौड़ की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।